कानपुर के घाटमपुर में 980 मेगावाट परियोजना का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने और डॉक्टर जोशी यानी कि मुरली मनोहर जोशी ने किया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के बीच बनी इस परियोजना का नाम नए वैली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में एनएलसी का 70% और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 30% पूंजी लगेगी, जो कि लगभग 17,233 करोड़ रुपए होगी। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के संयुक्त प्रोजेक्ट के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 828 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। 4 साल पहले इस पावर प्लांट की आधारशिला सीएम अखिलेश यादव और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल ने शिलान्यास कर नींव रखी थी। सबको बताते हुए खुशी होती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने स्वयं गरीबी अंधेरा अपने जीवन में व्यतीत किया है, महसूस किया है, उन्होंने जब कमान संभाली भारत की, तब सबसे पहली और प्रमुख निर्णय और घोषणा ये की कि 2022 तक पूरे देश में हर घर तक 2400 घंटे बिजली पहुंचेगी, किसानों को पर्याप्त बिजली मिलेगी, औद्योगिकरण के लिए पूरी तरीके से बिजली मिलेगी और भारत डीजल जनरेटर और इन्वर्टर और केरोसिन लैंप से मुक्ति पाएगा।